हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं निफ्टी एनालिसिस टूल के बारे में बात करने वाला हूँ। ये आपको जो सामने टूल दिख रहा है, इस टूल में मैंने उन सारी ज़रूरतों को एक ही स्क्रीन में फिट करने की कोशिश किया है जो कि निफ्टी को ट्रेड करते टाइम पे, ऑप्शन ट्रेड करते टाइम पे आपको ज़रूरत होती है। मैंने एक ही स्क्रीन में वो चार्ट्स, ग्रीक्स, ऑप्शन चेन, मोस्ट एक्टिव कॉल्स पुट, उसके बाद आपका जो बेसिक सिम जो मेजर मेजर सिंबल्स हैं उनको, और आपका जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, कम से कम आधे घंटे का डेटा, रिकॉर्डेड डेटा अपने को उसी स्क्रीन पे मिलना चाहिए। तो ये सारी ज़रूरतें मैंने एक ही स्क्रीन पे प्लॉट करने की कोशिश की है और इसको बहुत अच्छे ढंग से हम यूज़ भी कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से टेस्टिंग में था। इसके पहले आपको मालूम होगा कि हमने निफ्टी 3.0 रिलीज़ किया था, वो भी काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा। इसको हमने काफी टाइम तक यूज किया, अभी भी यूज कर रहे हैं। ये आज का डेटा है, देखेंगे तो सेम उसी टाइम का है। तो उसको उसके साथ साथ में ये वाला भी हम कंटिन्यूस टेस्टिंग में रख रहे हैं। इसके डेटा सोर्सेज अभी बदल गए हैं, डेटा को लाने का सिस्टम पूरा बदल गया है। पहले हम गूगल फाइनेंस का ही डेटा, गूगल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डेटा यूज कर लेते थे, गूगल फाइनेंस के पे से यूज करते थे यहाँ पर डेटा, कुछ डेटा हम यूज करते थे और भी फ्री सोर्स वेबसाइट से, और उसको इम्पोर्ट HTML फंक्शन से ट्रिगर कराते थे। जैसा कि बहुत सारी आपने वीडियोस में देखा होगा, इम्पोर्ट HTML फंक्शन यूज़ करके करते हैं। लेकिन अभी सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब हम इम्पोर्ट HTML फंक्शन भी नहीं यूज़ करते हैं, हमने डिसकंटिन्यूड कर दिया यूज़ करना, और अपने प्रोप्राइटरी फंक्शन हमने यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। और इसमें काफ़ी अच्छी बात यह है कि इस टूल में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने जो टेस्टिंग की है उसके बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3000 ट्रिगर्स होते हैं। 3000 3000 ट्रिगर्स होने के बाद, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है आपके लिए, बट मैं एक आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इसमें 3000 बार डेटा आता है तो 3000 बार में 0.13% का एरर रेट था, यानी कि जस्ट 3000 में 4 बार इसने डेटा को फेच नहीं किया, डेटा को यहाँ पर ले आके नहीं रिफ्रेश किया। ये मीनिंग है 3000 बार यहाँ पर ट्रिगर हुआ, 3000 बार यहाँ पर डेटा रिफ्रेश अगर हुआ तो उसमें से 4 बार फेल हुआ था। ये हमारा रेशियो हमने खुद देखा था। तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर कमियाँ क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत माइनर है और ये एक्सेप्टेबल है कि हमको इतनी छोटी मोटी चीज़ें तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। हमने टेस्ट कर लिया इसको, तभी उसके बाद आकर के यहाँ पर वीडियो बनाने का सोचा। अगर आप अभी देखेंगे तो शायद अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, तो अमेरिकन मार्केट यानी US का डाउ जोन ओपन है, तो US का डाउ जोन का यहाँ पर रेट चेंज होता नज़र आएगा आपको। US के डाउ जोन के रेट यहाँ चेंज होते रहेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा। 12:30 बज रहे हैं अभी, साथ के साथ देखते रहेंगे, इधर अगर कुछ एक्शन होता है तो यहाँ चेंज हुआ आपने देखा होगा। ओके, तो इस सीट में एक ही स्क्रीन पे हमने ऑप्शन चेन, ग्रीक्स सारी चीजें रखी हैं। इवन इसी में आपको मैं बता दूं तो शुरू कर लेता हूँ, मैं एक एक करके बताना शुरू करता हूँ, ऐसे में तो क्यों बताना। ये आपका यहाँ से देखेंगे तो इतनी दूर में तो ऑप्शन चेन है आपका यहाँ। ओके, यहाँ आपको कॉल पुट के ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, चेंज इन LTP और LTP, ये डेटा मिल जाते हैं कॉल पुट दोनों साइड के। यहाँ पर स्पॉट प्राइस मिल जाता है आपको। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको वीक्स बेस्ड रेंज मिल जाता है, जिसमें आप डायरेक्टली ऐसा सेलेक्ट करेंगे डेट जब तक का आपको डालना है, आपको डालना है कि कल कितनी रेंज हो सकती है विक्स के बिहाफ पे, वोलेटिलिटी के बिहाफ पे। अगर कुछ भी नहीं चेंज हो, सिर्फ वोलेटिलिटी आपकी यही इतनी रहे, बिना पैरामीटर्स कुछ चेंज हुई, क्या उसकी रेंज हो सकती है, तो वो हम इसमें सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर हम 6 तारीख का देखेंगे तो यहाँ 108 पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा है कि 108 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है इस विक्स पे। ओके, अगर मान लीजिए 7 तारीख तक का देखेंगे तो यहाँ हमको दिखाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज है, अपर साइड में ये रेंज है, लोअर साइड में ये रेंज है, 173 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है। अगर हम इंडिया विक्स को कंसिडर कर रहे हैं, केवल वोलेटिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक दिन की वोलेटिलिटी निकाली है, उसके बिहाफ पे ये वाला इसका रेंज आ रहा है।
इधर देखेंगे तो इधर मोस्ट एक्टिव कॉल्स एंड मोस्ट एक्टिव पुट्स है। इधर यहाँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेस पे है, और ये आपका ओपन इंटरेस्ट के बेस पे पोजिशनल है। मोस्ट एक्टिव कॉल्स मोस्ट एक्टिव पुट्स। इधर आएंगे आपको रेशियोज मिलते हैं। रेशियोज में आपको ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपका कॉल डिवाइडेड बाई पुट पीस, जो आप सीपीआर बोलते हैं इसको, वैसे कॉल डिवाइडेड पुट, कॉल डिवाइडेड बाई पुट रेशियो है। ये क्यों कंसिडर करते हैं, उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि जब भी मार्केट, मान लीजिए मार्केट बुलिश है तो आपको कॉल साइड में वॉल्यूम मिलेगा, जब मार्केट बेरिश है तो आपको पुट साइड में वॉल्यूम मिलेगा। तो इससे आपको ये सिंपल आइडिया होना चाहिए कि बुलिश के टाइम पे आपको कॉल साइड में वॉल्यूम मिल रहा है, मतलब डायरेक्शनल होता है, वॉल्यूम हमेशा डायरेक्शनल होता है। जबकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका ये कहिए कि सेलर आपका पुट सेल करते हैं तब मार्केट ऊपर जाता है, मतलब वो आपकी नॉन डायरेक्शनल होता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब आपको अगर पोजीशन लेना है, अगर आपको मार्केट में सेल, एज ए सेलर पोजीशन लेना है तो आपको पुट सेल करना पड़ता है। ओके तो उसकी पोजिशनल, उसी की पोजिशन जो होती है इसलिए पुट डिवाइडेड बाई कॉल होती है, जबकि वॉल्यूम की जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो आपका कॉल डिवाइडेड बाई पुट हम कंसिडर करते हैं। आप चाहें तो पुट डिवाइडेड बाई कॉल रख सकते हैं कि जब 1 से नीचे होगा तो वो ग्रीन सिग्नल फिर आपको देगा। दैट इज पॉसिबल, अगर लॉजिक में देखेंगे तो पॉसिबल है, बट अगर ये ग्रीन है इसका मतलब कॉल साइड में डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब कॉल साइड में रेशियो है इसका। ओके उसके बाद यहाँ पे ही मैक्स पेन आपको मिल जाता है। मैक्स पेन यहाँ नीचे मिलता है, और नीचे देखेंगे तो चार्ट भी मिलता है इसका, मैक्स पेन का। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी जरूरी चार्ट हैं वो सभी दिए गए हैं। अगर आपको बड़े फ्रेम में चाहिए चार्ट, जो छोटा चार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, तो बड़े चार्ट में भी मिल जाएगा। यहाँ देखिए हिडन है, ये सारे चार्ट्स आपको अवेलेबल हैं। मैक्स पेन पे क्लिक करेंगे तो मैक्स पेन दिख जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे इस पर, जिस पे भी आपको क्लिक करना है ये देखेंगे तो ये आपका डिफरेंस और फ्यूचर है, पुट कॉल का डिफरेंस है और फ्यूचर का प्राइस है। जो भी आपको अगर ये चेंज करना है तो डेफिनेटली चेंज भी हो जाएगा। अगर आपको ये फ्यूचर प्राइस की जगह पे स्पॉट प्राइस लगाना है, स्पॉट लगा लीजिए, मना नहीं है, मैं आप जा करके स्पॉट लगा सकते हैं। ठीक है, स्पॉट हो गए, सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसमें आप जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको ओपन इंटरेस्ट, ये पीसीआर मिलता है, स्ट्राइक वाइज पीसीआर, मतलब आपको जिस स्ट्राइक का आपको इंडिविजुअल पीसीआर देखना है, ओपन इंटरेस्ट पीसीआर आपका, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पीसीआर। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ग्रीक्स है, आप ये देखिए यहाँ से ग्रीक्स है, ये कॉल और पुट का है। तो कॉल और पुट में आपको डेल्टा थीटा रो ये आपको, और आईवी, ये तो चारों आपको सेपरेट सेपरेट दिए हमने। उसके बाद कॉमन में जो है वो गामा और वेगा तो कॉमन होता है, तो इधर कॉमन दे दिया है। ओके उसके बाद आएंगे तो यहाँ कैलकुलेटेड प्रीमियम है। इससे आपको ये एक आइडिया लग जाता है कि एज पर, यहाँ पर हमने बीएसएम कैलकुलेटर यूज किया है, ब्लैक स्कॉल मॉडल यूज किया है यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए। तो इस कैलकुलेटेड प्रीमियम में आपको ये एक आइडिया लग जाता है कि आपका जो मार्केट का एलटीपी है, इसका प्रीमियम है, ठीक है, एलटीपी है जो, तो वो क्या डिस्काउंटेड है या आपका प्रीमियम में चल रहा है। तो जैसे इधर देखेंगे 104.35, 104 रुपये का चल रहा है 18,700 का कॉल, तो इधर देखेंगे तो 101 रुपये का कॉल इसका प्राइस होना चाहिए एक्चुअली। तो इससे आपको पता चलता है कि अभी प्रीमियम में है, यहाँ देखें तो 78 का है, तो इधर देखेंगे तो 84 है, मतलब ये पुट साइड डिस्काउंटेड है। ओके इन सब, ये तो ऐसे आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो का प्लान है अपना कि अभी हम रेगुलर इससे रिलेटेड वीडियोस भी बना दिया करेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा टाइम नहीं मिला इन्हीं चीज़ों की वजह से। अभी इसमें देखेंगे तो यहाँ निफ्टी के ओपन हाई लो क्लोज प्रीवियस क्लोज चेंज इन ओपन चेंज परसेंटेज ये सब आ जाता है। उसके बाद यहाँ मेजर सिंबल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका इंडिया वीक्स, बैंक निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी है, यूएसडीआईएनआर का भी प्लानिंग है, ये भी डाल देंगे बहुत जल्दी। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको कॉल बाय पुट बाय का ऑप्शन, ये लॉजिक दिख जाता है, कॉल बाय या पुट बाय यहाँ पर इस लॉजिक से आ रहा है कि अगर आपका सिग्नल जो है वो वी वैप से ऊपर है, मतलब आपका जो करंट फ्यूचर प्राइस है वो आपके वी वैप से ऊपर है, तो सिंपल सी बात है प्राइस को हम फिल्टर कर रहे हैं,
प्राइस को फिल्टर करके देखा, अगर ऊपर है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कॉल बाइंग जोन में रहेंगे या बाइंग जोन में रहेंगे, सीधा लॉन्ग पोजीशन होल्ड करेंगे, ना कि शॉर्ट पोजीशन, यानी पुट बाय करने का चांस नहीं रहेगा वहाँ। और यहाँ पर पीसीआर सिग्नल का मतलब आपका 1.25 से ज़्यादा अगर पहुँचता है पीसीआर, तब जा करके इधर कॉल बाय देगा, अदरवाइज पुट बाय दिखाता रहेगा अपने को। यहाँ डिफरेंस है, ओके, नेट कॉल माइन पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है, ये पुट और कॉल का डिफरेंस है। यहाँ 9 स्ट्राइक का सम है ये, ना कि 1-2 स्ट्राइक का, ये 9 स्ट्राइक का टोटल सम है। ओके, ऊपर के 4 स्ट्राइक, नीचे के 4 स्ट्राइक, इन्हीं का है ये। मैं आपको अगले वाले उसमें दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आपका टाइम है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट का सिग्नल है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको कॉल पुट का मिल जाता है। ओके, यहाँ आपको मिलता है कॉल पुट डिफरेंस पीसीआर, उसका सिग्नल, फिर आपका फ्यूचर प्राइस, यहाँ पर आपका वी वैप मिल जाता है, और ये आपको यहाँ पे भी वी वैप का सिग्नल मिल जाता है। लॉजिक पुट और कॉल का सिंपल है, यहाँ पर वी वैप का सिग्नल का लॉजिक लिख रखा है, जो है यहाँ पर जो मेंशन है वही लिख रखा है। यहाँ यहाँ पर आपको पीसीआर का सिग्नल मेंशन वो लिख रखा है। ओके, यहाँ आपको चार्ट्स में देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रेटजी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट स्ट्रेटजी वाली स्ट्रेटजी का, इसे कॉल पुट और स्पॉट प्राइस है। मतलब ये जो ब्लैक लाइन है, आपको ब्लैक लाइन आपकी स्पॉट प्राइस है, यहाँ ये वाला देखेंगे, ये ब्लैक लाइन आपकी स्पॉट प्राइस है, ये कॉल है, और ये ग्रीन वाली पुट है। कलर चेंज करना है आप डेफिनेटली कैन कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और कलर आराम से चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगले अगला आता है आपका यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है, ये यहाँ पर प्लॉटेड है। नीचे आपका, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ टाइमिंग है, और उसके हिसाब से आपका यहाँ डिफरेंस लगा हुआ है, इसकी वैल्यूज लगी हुई है यहाँ। ओके, आप इसको चाहते हैं लाइन में करना, डेफिनेटली कर सकते हैं, पॉसिबल है। यहाँ पर जाएंगे सिंपली, यहाँ कॉमन, इस पर हमने क्या किया सिंपल, देखिए आप इस पर डबल क्लिक किया, जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमको सिर्फ यहाँ जो कॉलम आ रहा है, कॉलम को लाइन में बदल देना है बस। तो ये कॉलम से लाइन में बदल जाएगा, जो भी आपको करना है आप इस तरह से यहाँ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम आते हैं नीचे, तो यहाँ नीचे देखेंगे तो इसमें चेंज इन सेम इसी का ही चार्ट है, इस पेज पे इसी के चार्ट हैं, और इस पेज पे आप देखेंगे तो इस पे आपको बहुत सारे ऐसे भी चार्ट्स मिलते हैं जो उधर से यहाँ रेफरेंस के लिए लिए गए हैं। मैं आपको इधर भी सारे चार्ट्स दिखा देता हूँ भी इसको समझाने के बाद। ओके, यहाँ देखेंगे तो आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में फ्यूचर का प्राइस और वी वैप लगाओ। ओके, ये फ्यूचर है, ये वी वैप है, तो इससे आपको बड़े आसानी से आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर अभी आपका वीवैप से ऊपर है या नीचे है। ये सभी डेटा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख लेंगे। यहाँ आप इसको चाहें तो 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, चाहे तो 10 मिनट पे भी कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है इसमें कि 5 मिनट या 10 मिनट आप सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ अगला आएंगे तो ये ऑप्शन बाद में चेंज भी कर दिए जाएंगे, ये सारे मेन्यूज हैं आप, और जिसको भी शीट चाहिए होगी तो बाद में वो देखेंगे कैसे करना है क्या करना है। अभी तो सिर्फ शीट में क्या क्या फीचर्स आए हैं ये सारी इंफॉर्मेशन है। अभी ये शीट आपको जो भी होगा, हमारी वेबसाइट है एक, तो इस पे आपको अपडेट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा। जैसे अभी हमने प्रीमियम टूल में मास्टर एनालिसिस टूल के बारे में डाला है, फ्री टूल्स में अगर किसी को कोई ऑप्शन चेन डाउनलोड करना है तो उससे रिलेटेड फ्री टूल्स वाला है, हमने यहाँ पर दे दिया है। आप जा करके यहाँ से फ्री ऑप्शन चेन्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि हमने पहले भी इन वाली वीडियोज में बता रखे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जा करके चेक कर सकते हो, अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, एक्सेल वर्जन में भी डाउनलोड कर सकते हो, और आपको अगर प्रीमियम टूल्स में आना है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अब इसमें अगले उस पे आते हैं टूल्स पे, तो इसी का जो निफ्टी एनालिसिस टूल में हमने इस बार बहुत एडवांस फीचर दिए हैं, जो कि आपको महंगे सब्सक्रिप्शन वाले टूल्स में मिलते हैं, मल्टी स्ट्राइक डैशबोर्ड है ये। मल्टी स्ट्राइक डैशबोर्ड में अगर देखेंगे आप, तो मल्टी स्ट्राइक डैशबोर्ड में आप कुछ भी डेटा प्लॉट कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। हमने 5 स्ट्राइक दे रखा है, ये 5ों स्ट्राइक भी आपकी ऑटोमेट हो सकती हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर एक हमने बटन दिया है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, बैकएंड में है वो। इस पे हम यहाँ पर ऑटोमेट भी कर सकते हैं, इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल का मतलब कि आप यहाँ पर सिंपली देखिए, देखिए यहाँ फॉर्मूला डाला हुआ है, तो ये ऑटोमेटेड वर्जन में अभी चल रहा है। आपको मैनुअल करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं,
मैं यहाँ पर स्ट्राइक के जो भी मुझे डालना है वो मैं यहाँ पर स्ट्राइक आ गया स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, जो भी स्ट्राइक आ गया मुझे अगर जो भी सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ बड़े आराम से। ओके, अभी मुझे सारे हटाने हैं, मैंने यहाँ डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जब आप देखेंगे तो उस टाइम पे जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट आपका सेट हो जाएगा। आप यहाँ नहीं करेंगे कुछ भी तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब आप इस पे ऐड करेंगे, ओके, जब यहाँ आप टिक करेंगे तभी जा करके यहाँ पर डेटा दिखाई देगा। मान लीजिए मैं 18,800 का स्ट्रैडल, अगले स्ट्रैडल नहीं चाहिए, ये अभी स्पॉट प्राइस आ रहा है। ओके, ये स्पॉट प्राइस है जो यहाँ चल रहा है। आपको स्पॉट हाइड करना है, स्पॉट हाइड कर सकते हैं, नो डेटा दिखाएगा। आपको इस चार्ट में कुछ नहीं करना है, कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी है इस चार्ट में। आपको यहाँ पर जो भी ऐड करना है वो कर सकते हैं। मान लीजिए 18,800 मैंने यहाँ डाला। ओके, 18,800 में मुझे चाहिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो इस टाइप से 18,800 पे कॉल और पुट में ओपन इंटरेस्ट बने थे। ठीक है, मुझे ये ओपन इंटरेस्ट इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए। आप सिंपली इस पे कंपेयर करना है, इस पे कर लीजिए। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको ये भी, आपको प्रीमियम डीके देखना है तो प्रीमियम डीके देख सकते हैं। आप यहाँ पर प्रीमियम डीके भी देख सकते हैं। ये लीजिए, ये आपका दिख गया यहाँ पर 18,800 का प्रीमियम का है, कि किस तरह से एलटीपी फ्लक्चुएट हुआ है। ओके, यहाँ देखेंगे तो इस तरह से आपको प्रीमियम दिखा रहा है। आपको देखना है टोटल, टोटल आपको स्ट्रैडल देखना है। स्ट्रैडल आप चेक कर लीजिए, स्ट्रैडल आपको दिखाई देगा। आपको दो स्ट्राइक का करना है, चलो 700 का भी करना है। स्ट्रैडल स्ट्रैडल लगाना है 700 का, ये आपको लग गया, मेंशन होकर के आ जाएगा। 700 का स्ट्रैडल यही रहा रेड वाला, 800 का स्ट्रैडल यही रहा। ओके, तो ऐसा नहीं है इसमें कि मतलब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा, जो ये आप देख रहे हैं लाइन, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इस तरह से क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, ये इस तरह से क्यों। कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ आप इस पे आइए, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आप देखिए इस पे आप स्पॉट पे इसलिए रखिए क्योंकि स्पॉट को हमने बाई डिफॉल्ट एक पैरामीटर दे रखा है। बाई डिफॉल्ट स्पॉट तो आप ऑन करके हमेशा ही रखिए। उसके बाद आप देखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ दिखाई देगा। आप देखेंगे तो इस तरह से आपको स्ट्रैडल के प्राइस दिखाई देंगे। आपको ये नहीं चाहिए, आप हाइड कर दीजिए। वो तो दूसरा चाहिए, दूसरा आप चेक कर लीजिए। जो भी आप चेक करेंगे आपको तुरंत उसका स्ट्रैडल मिल जाएगा इसमें। ओके, आपको जो भी इसमें चेक करना है आप कॉल और पुट के प्रीमियम भी ऐड करके देख सकते हो। ओके, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको जैसे भी यूटिलाइज करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। उसके बाद आता है अपना, अच्छा इसमें दो एडिशनल स्ट्रेटेजी हमने दिखाई है। एक्चुअली ये पर शीट पे एक ही स्ट्रेटेजी मिलेगी, जिसको जो भी शीट चाहिए, जिसको जो भी स्ट्रेटेजी चाहिएगी उसी के लिए पूछेंगे। मतलब आपको कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए इसमें, यहाँ पर थ्री स्ट्रेटेजी है तो थ्री स्ट्राइक स्ट्रेटेजी है, तो इसमें भी सेम वही डेटा, डेटा का यूटिलाइज, डेटा वही होगा बस प्लॉटिंग अलग अलग हुई है। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो एटीएम स्ट्राइक की स्ट्रेटेजी है, मतलब आपका यहाँ पर डायरेक्टली एटीएम चेंज होता रहता है बार बार। यहाँ देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट का सिग्नल वाला है ये वाला। ओके, जिसमें कॉल बाय पुट बाय आ रहा है, इसमें भी आपका कॉल बाय पुट बाय आएगा। इसमें थ्री स्ट्राइक की स्ट्रेटेजी में इसमें भी आपका कॉल बाय पुट बाय यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको फ्यूचर के डैश, फ्यूचर का भी डैशबोर्ड मिलता है। फ्यूचर के डैशबोर्ड में आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और टोटल कॉल टोटल पुट भी मिल जाता है। तीनों एक्सपायरी के मिल जाते हैं डेटा। यहाँ पर आपको करंट एक्सपायरी का, स्पॉट, क्लोज, ये जितने भी डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको मिल जाते हैं। इतने की शायद ज़रूरत होती है, इस की ज़रूरत अगर होती है तो डेटा तो इसमें पड़ा हुआ है, आप बोल देंगे तो डेफिनेटली इसमें प्रिपेयर किया जा सकता है। अगला जो हमारा बहुत अच्छा खासा फीचर है जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं और उसकी ज़रूरत भी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर ट्रेडर सोचता है, हर एक नया रिटेल ट्रेडर सोचता है कि अगर उसके पास ये होता तो डेफिनेटली वो सोचता है अकेले कि उसको अगर अभी 5 मिनट पहले का डेटा पता होता तो अभी उसमें उसको बेटर आइडिया लग जाता। तो हमने उसी को देखते हुए ये सॉल्व किया प्रॉब्लम। अभी हमने क्या कर दिया, इसमें रिप्ले ऑप्शन चेंज डाल दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने इसको रिफ्रेश कर दिया अभी ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दे। हाँ, ये एक इसमें अभी है कि मैंने इसमें दो फॉरवर्ड और रिवर्स के सिम्बल्स डाले हैं, एरो मार्क कर रखा है, तो उस पर क्लिक करने पे आपका टाइम जो है वो आगे और पीछे चेंज होता रहेगा। यहाँ ये देखेंगे। ओके, तो जैसे ही हम इसको बैक करेंगे तो ये पीछे की साइड, यानी यहाँ 1533 है, 1532 हो जाएगा। तो 1532 का यहाँ पर डेटा दिखाई देगा, उसे पहले करेंगे
वैसे तो मार्केट क्लोज हो चुकी थी इतने बजे, मैं और पीछे लेके जा रहा हूँ तब आपको दिखाई देगा। यहाँ आएंगे हम, थोड़ा सा मार्केट के उसमें चलते हैं, मार्केट सेशन वाले में चलते हैं, तब पता चलेगा। आप देखिए डेटा यहाँ चेंज होता रहेगा। जब आप मान लीजिए आपको भी और पीछे देखना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके देखिए, ओके तो आप देख सकते हैं 26, आपको जितने बजे का भी चाहिए यहाँ आप उतना पुराना देख सकते हैं। ये इंट्राडे का ही होता है, आपका इंट्राडे का डेटा रिकॉर्ड होने के बाद, उसके बाद आपका यहाँ पर रहता है डेटा, आप चाहें तो इसमें चेक कर सकते हैं। ओके बाद में आपको टेस्ट वेस्ट करना होता है बहुत बार, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर आपको पिछले 5 मिनट का डेटा लाइव मार्केट में भी देखना हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो लाइव चलता रहता है इस वाली ऑप्शन चेन सीट में, और आपको यहाँ क्या करना है, सिंपली यहाँ यहाँ आपको एज इट इज छोड़ देना है, और इसमें पिछले 5 मिनट का देख सकते हैं। और आपको एज इट इज छोड़ने के टाइम पे यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपको 5 टाइप कर देना है, कितना 5। अब ये अपने आप 5 इसलिए 33 आ गया, तो लास्ट क्या होगा कि जो लास्ट टाइमिंग यहाँ चलता रहेगा वो यहाँ पर लास्ट टाइमिंग चलेगा। ओके वो तो सेटअप में दिखा भी देंगे कि कहाँ पर क्या करने से यहाँ पर कैसा चल सकता है, तो मतलब ऑटोमेट हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। ओके हम इसको कर भी सकते हैं, लास्ट 5 मिनट पे सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा शीट है, इसमें बाकी कुछ जो मेजर मेजर चीजें हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। ये वाला था सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, फिर भी अभी थोड़ा सा टाइम आपको मैं दे देता हूँ कि बेसिकली जो मेजर मेजर चीजें हैं कैसे देखी जाती हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का बहुत तगड़ा कोरिलेशन है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। जो आप में से नए यूजर हैं, बहुत बार पूछते हैं कि रिसीट तो है लेकिन उसको देखिए तो देखें कैसे। जो भी नए ट्रेडर हैं, जो भी नए रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिनको ये फर्स्ट टाइम सीट दिख रही है, जिनको ABCD भी नहीं आती ऑप्शन चेन की, डोंट वरी, आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। अभी कंटिन्यूस रहेगा, वीडियोस आने का सिलसिला बिल्कुल कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप पीछे की देखेंगे तो वेबिनार्स के कुछ दो चार वीडियोस डाल रखे हैं, और कुछ बेसिक बेसिक वीडियोस, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो डाल रखे हैं। फिर मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ आपको कि आपको अगर एक नॉर्मली बुलिश और बेरिश मार्केट का सिनेरियो देखना है तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ बता सकता हूँ कि किस तरह से आप बुलिश और बेरिश मार्केट का सिनेरियो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं यहाँ ऑन दिस सीट और एनी ऑप्शन चेन। अगर आप कोई भी ऑप्शन चेन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये मैं जब स्ट्रांग बुलिश का सिग्नल मिलता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रांग बेरिश के सिग्नल मिलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। रिटेल ट्रेडर्स को यानी ऑप्शन ट्रेड करते टाइम उसको स्ट्रांग अगर ट्रेंड नहीं मिला तो वो फिर फेल हो जाता है, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए ट्रेड को मैनेज करना, बिकॉज वहां पर तो थीटा तो प्रीमियम में डिके करता ही है, डिके कर देता है। दूसरा क्या है कि आपका वहां पर ज्यादातर रिटेल सेगमेंट में अगर आप ATM से थोड़ा सा बाहर है, ATM साइड में जा रहे हैं या ATM पे भी, तो आपका वहां पर डेल्टा कम होने की वजह से प्राइस में मूवमेंट आ भी जाता है लेकिन स्लो आता है, तो उसकी वजह से ऑप्शन के प्राइस नहीं बढ़ पाते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अभी, जो उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या करना है। आपको ओपन इंटरेस्ट देखते टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आपको पूरे इंट्राडे में, पूरे दिन भर में अगर आपको पोजिशन लेनी है, आपको अगर ट्रेड लेनी है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम नेकेड को रिकमेंड नहीं करते, कभी भी नेकेड ऑप्शन ना बाय करें, वो थोड़ा सा रिस्की है। बट अगर आप नेकेड बाय भी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जो आपका प्रीमियम है आप उसको अपने दिमाग में यही कंसिडर करके चलें कि जो आपका प्रीमियम है वो आपका टोटली SL है। आजकल एक कंसेप्ट है कि लोगों को टिप मिलती है, उसमें देंगे कि 50 रुपये का प्रीमियम वाला ऑप्शन ले लो और उसके बाद आपको 40 रुपये का SL लगा लो, अभी 10 रुपये बचा करके क्या आप कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन से, ऐसे टिप से दूर रहें, और मैं तो आपको यही बोलता हूँ ऑप्शन में जो आप प्रीमियम देते हैं वो टोटल प्रीमियम आपका, जो आप अगर नेकेड में जा रहे हैं, आप अगर 2,000 3,000 5,000 रुपये का ऑप्शन डाल रहे हैं तो ये मान के चलिए वो टोटली लॉस ही है। उससे आप उम्मीद मत रखिए कि आपका वो रिकवर हो पाएगा, क्योंकि जब तक अगर आपका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, आपका व्यू सही नहीं है और आपके साइड में मार्केट नहीं चलती है,
और थोड़ा स्पीड से नहीं चलती है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए मार्केट में। ओके मतलब आपकी तरफ में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी के साथ में अगर बढ़ा तभी आपके ऑप्शन प्राइस अच्छे हो पाएंगे, तभी आप उसमें नेकेड में कमा पाएंगे, अदरवाइज वहां पर बड़ा लॉस होने का आपको खतरा रहेगा। तो जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है, ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं पेन पेंसिल निकाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, वो इनफ रहे, वो थोड़ा सा सही रहेगा। ओके यहाँ मैंने पेन निकाल लिया भाई। आपका ओके तो अभी भाई पेन आ गया है सामने, मैं आपको इधर ही बताने चल रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है अपने इस पेज पे हैं। ओके अभी मेरा सिर्फ पेंसिल पेन ये चलेगा, बाकी तो नहीं चलाऊंगा क्योंकि फिर समझाने में आसानी होगी। आपका जो इंट्राडे में मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं कि एक तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यूज होगा, जो हमारा जो इस ट्रेड के बारे में बात बता रहा हूँ मैं, जो इस टाइप के ट्रेड्स आपको लेने हैं, जो इस मतलब आपको एक नेकेड ऑप्शन बायर के तरह अगर काम करना है तो आपको ये चीजें जरूर फॉलो करनी है, ये चीजें जरूर देखनी है, अदरवाइज आपके फेल होने के ज्यादा चांस रहेंगे। ओके तो पहला तो ये आपको यहाँ पर देखना है, आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर बहुत फोकस करना है। ओके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, यही आपको दो पैरामीटर ऐसे हैं जो कि इंट्राडे में वर्क करते हैं। यानी पहला आपने लिख लिया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओके, और दूसरा आपने वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का बहुत अच्छा कोरिलेशन है। मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनसे मेरी काफ़ी बातचीत होती है, जो जिन्होंने भी अभी तक क्लासेस अटेंड करी हैं, जिन्होंने भी अभी तक पूछा है मुझसे इसके बारे में, तो बहुत सारे लोग तो यानी वॉल्यूम को तो प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं, वॉल्यूम को तो मतलब ऑप्शन चेन में कुछ समझते ही नहीं है। ठीक है मतलब ये रटी रटाई चीज़ें हैं। आईवी बता दो सर, आईवी क्यों नहीं है आप में? अभी दे दिया ना भाई आईवी, अभी आईवी भी दे दिया, सारे ग्रीक्स भी दे दिए, करो देखते हैं डेल्टा थीटा कितना काम करता है। आप अगर रिटेल ट्रेडर हैं और आप नेकेड बाइंग कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर आईवी डेल्टा थीटा गामा से ज़्यादा ज़रूरत आपको ये है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि आपके लिए आपके लायक स्ट्राइक कौन सी है, आपके लायक टारगेट कहाँ तक है। ओके तो वो चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली एक बहुत बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का बहुत तगड़ा कोरिलेशन है, इसी के भी आप पे करेंगे। हम जब कॉल साइड की बात कर रहे होंगे, हम जब कॉल साइड की बात करेंगे तो कॉल साइड के लिए हमको अलग ही पैरामीटर्स देखने होंगे अगेंस्ट द पुट। मतलब कॉल साइड में जो हमको पैरामीटर्स देखने हैं वो हमको पुट साइड से कंपेयर करके देखने हैं वो पैरामीटर्स। तो हमें यहाँ पर जब हम कॉल साइड में रहेंगे इधर, ठीक है इधर रहेंगे, यहाँ पर जब हम इस साइड रहेंगे तो हमको क्या देखना है, अगर हम बुलिश होने का प्लान कर रहे हैं, बुलिश होने का अगर हम प्लान कर रहे हैं, हमारा व्यू है VIW, हमारा व्यू यहाँ है बुलिश होने का। ओके ये तो दिख रहा है, अब बुलिश होने का है तो उस टाइम हमें क्या देखना है, उसको आप एक एक करके नोट डाउन भी कर लीजिए। बुलिश होने के टाइम पे जब अगर हम बुलिश हो रहे हैं, या हमको ऑप्शन चेन देखते रहना है तभी हमको बुलिश होना है, जब जिस टाइम पे ऐसी कंडीशन हो कि आपका
मैंने बोला ना कि कॉल साइड कॉल बाय करना है अगर आपको, यानी बुलिश का मतलब कॉल बाय कब करना है, कब आपको कॉल बाय करना है वो ध्यान दीजिए। कॉल बाय करने की कंडीशन में आप तभी आना जब आपको पुट साइड के आईटीएम, पुट साइड आपको आईटीएम, ओके आईटीएम मतलब डीप आईटीएम नहीं, बट यहां तो कम से कम 100 150 200 पॉइंट तक भी अगर आपको ऐसे शॉर्ट बिल्डअप दिखे ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको 100 150 200 पॉइंट तक शॉर्ट बिल्डअप दिख रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। वहां यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये अकेले एक पैरामीटर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको दूसरे पेज पे ले लेते हैं थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर काफी अच्छा है जगह, यहीं पर देख लेते हैं। आपको क्या करना है यहाँ, अगर आपको कॉल बाय करना है, ओके कॉल बाय की कंडीशन में आपको ध्यान देना है पुट साइड के आईटीएम में, ओके आईटीएम में, पुट साइड के आईटीएम में 100 150 200 पॉइंट इनफ है, वहां तक आपको शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए। और आपको ये सिनेरियो ऐसा नहीं है मिलता ही रहेगा, मैं उस सिनेरियो की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि रेयर होंगे, आपको ये सिनेरियो मिलते ही रहेंगे। या आपको सिनेरियो इसलिए मिलते रहेंगे क्योंकि जब आपको एक एक मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ना, जब आपका ये ऑप्शन चेन रन करेगा, जब आप देखेंगे इस, यहीं पर नहीं आप किसी भी केस में देखिएगा, अगर आप एनएससी का भी ऑप्शन चेन यूज करेंगे तब भी, या आप किसी का भी टूल यूज करेंगे, बस आप उस टाइम को आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पर हो रहा है ये, कि पुट साइड में अगर आपका आईटीएम साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, सेम टाइम पे आपका कॉल के, सेम टाइम पे आपका कॉल के कॉल साइड में आपके आईटीएम में करीब करीब मान के चलिए 100 पॉइंट तक, और उसके बाहर आपका ओटीएम एटीएम इन तीनों पे, मतलब आईटीएम एटीएम ओटीएम तीनों साइड में अगर आपको मिलता है, नहीं तो कम से कम आप जान के चलिए कि आपका एटीएम और ओटीएम की तरफ में जरूर हो रहा हो, कम से कम 50 100 पॉइंट आईटीएम, 50 पॉइंट 100 पॉइंट भी चलेगा, 50 100 पॉइंट आईटीएम प्लस आपका यहाँ पर एटीएम और 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट तक ओटीएम, इन सभी में आपको शॉर्ट कवरिंग हो रही हो, क्या शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप। शॉर्ट कवरिंग मोस्ट प्रेफरेबल है, शॉर्ट कवरिंग आप ज्यादा प्रेफर करिएगा, लॉन्ग बिल्डअप पे थोड़ा कम ट्रस्ट करिएगा, बेशक आप लॉन्ग बिल्डअप करने जा रहे हैं, बेशक आप कॉल बाय करने जा रहे हैं, आप लॉन्ग बिल्डअप करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कॉल साइड में क्या करना है, आपको कम से कम एटीएम से एटीएम प्लस और माइनस, एटीएम प्लस माइनस 100 150 200 पॉइंट, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ 150 पॉइंट लिख देता हूँ, एटीएम साइड कॉल साइड एटीएम प्लस और माइनस 150 पॉइंट्स, इतने के आसपास में अगर आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, ओके शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है यहाँ, उस केस में अगर आपको ये दिख रहा, अगर शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है तो फर्स्ट प्रेफरेंस है, ओके ये तभी प्रेफरेंस है, अदरवाइज अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है ना, तब भी आप कंसिडर कर सकते हैं, तब भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये मोस्टली होता रहेगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे तब आप कॉल बाय करेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो कॉल बाय है, अब इसमें वॉल्यूम का क्या रोल है, वॉल्यूम का रोल है, वॉल्यूम में आपको सेम टाइम पे, ये तो हमने बात किया केवल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, ओके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे बनता है शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग ये सब, लेकिन अब वॉल्यूम का क्या रोल आएगा, अब नंबर्स में प्ले करना है, यानी अब हम यहां लिखते हैं चेंज ओपन इंटरेस्ट, ओके और इधर वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है इधर वॉल्यूम लिख दिया, वैसे उसमें थोड़ा आगे है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पीछे है, कोई बात नहीं, इधर हमने लिख दिया
चेंज वाई, ठीक है। तो क्या होगा, चेंज वाई आपका, यहां पर मैं बात करने चल रहा हूँ कॉल बाई के ही अभी कंडीशन में है, अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया है व्यू। कॉल बाई के टाइम पे हमारा ये वाला ज्यादा रहेगा, दिस विल बी ग्रेटर देन, ओके। ये तो इसको वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन किससे किससे ज्यादा रहेगा आपका, जिस साइड ये है, ठीक है। तो यहां लिखना है हमें कि कॉल, ठीक है, कॉल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन पुट वॉल्यूम, ओके। ध्यान देना, पहली कंडीशन है आपकी। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में क्या होगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपका ये यहां पर लिख लेते हैं कि आपका सी चेंज ओपन इंटरेस्ट, सी का चेंज ओपन इंटरेस्ट ये आपका लेस देन होगा किससे, पुट से, इससे से, ठीक है। पी के चेंज वाई से ये कॉल का चेंज वाई कम रहेगा। अब अगर ये सेम कंडीशन, ये आपको जरूर फुलफिल होना चाहिए, यानी वॉल्यूम वॉल्यूम आपका कॉल साइड में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर इन कॉल साइड, ठीक है, कॉल साइड में ज्यादा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन, ओके, कॉल साइड। कॉल बाई के टाइम पे कॉल साइड वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, कॉल बाई के टाइम पे कॉल साइड वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, सेम टाइम पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपका पुट में ज्यादा होना चाहिए, सेम टाइम पे आपका पुट में, पुट साइड में आपका क्या होना चाहिए ज्यादा, चेंज वाई, ओके। चेंज वाई आपका पुट साइड में ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, पुट के लिए क्या करना है, पुट के लिए सेम इसका उल्टा, पुट के लिए इसका सेम उल्टा, चलो हम पुट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, पुट कंसिडर कर रहे हैं। पुट टाइम पे वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम, उसके बाद इधर लिख लेते हैं चेंज वाई, ठीक है, और इधर, और ये रहा, ठीक है, ये कॉल साइड है, ध्यान देना, ये कॉल है, ये पुट है, ठीक है। इसमें पुट साइड में मैंने बोला ना कि उसका उल्टा, तो पुट साइड में किधर का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, पुट साइड का, तो इधर लिख लो पुट साइड वॉल्यूम ग्रेटर देन कॉल साइड, ओके, पुट साइड वॉल्यूम ग्रेटर देन कॉल वॉल्यूम, ओके। एंड देन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मैंने बोला उसका उल्टा रहेगा, तो क्या होगा, ये कॉल साइड, कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विल बी ग्रेटर देन पुट साइड का, मतलब यहां आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड ज्यादा रहेगा, ओके। ये बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक है। तो आपका ये कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड से ज्यादा रहेगा, तो आपको यहां पर ये समझना है कि कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है और पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो आपका ये सिनेरियो बनेगा यहां पर पुट बाय का, ओके, पुट बाय का। ये आपके है ऑप्शन चेन के बिहाफ पे सारा, हम अभी इसमें कोई भी इंडिकेटर, कोई भी और स्ट्रेटेजी वाले इंडिकेटर्स यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ, जिस तरह से यहाँ मेंशन है, जितने ये सारे आपने देखे यहाँ, जितने बाकी के बाकी हैं यहाँ, इनमें हम कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही ये ना ही ये, कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे हैं इनमें से, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं ये ऑप्शन चेन, ओके। और इसमें भी मेजरली दो पैरामीटर ही यूज कर रहे हैं हम, पहला हम यूज कर रहे हैं वॉल्यूम और दूसरा यूज कर रहे हैं हम इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसके बिहाफ पे हम कंसिडर कर रहे हैं ये, ओके। हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, एंट्री हमारी वी वैप के टच में होनी चाहिए, वो चाहे ऊपर जाने के टाइम पे हो चाहे नीचे आने के टाइम पे। वी वैप को भी कुछ लोग गलत ढंग से यूज कर लेते हैं, तो वी वैप का सिंपल भी क्या है तरीका, वो मैं आपको बता देता हूँ। वी वैप यूज करते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी आपका
वीवैप अगर मान लीजिए ऐसे लाइन है, ऐसे है, जनरली तो ऐसे भी नहीं होती, ऐसे होती है जब ज़्यादा वोलेटाइलिटी आ जाती है, जब ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है स्टॉक या आपका स्क्रिप्ट, तो उस टाइम पे अगर आपको प्राइस, अगर आपको, एक तो ये वीवैप है, दूसरा अगर आपको प्राइस यहाँ से, प्राइस होते हुए आपको यहाँ पे गिर रहा है उसके बाद वापस लेता है ना रिवर्सल, तो आप इसको बॉटम मत माने, इसको जाने दे। उसके बाद अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ कहीं आप पुट बाय करिए, क्योंकि यहाँ से दोबारा से आएगा रिवर्सल। ओके, दोबारा। दूसरा, अगर आपको यही सेम सिनेरियो, आपको अगर यही सेम सिनेरियो आपको उसी पे रखना है वी वेब पे, जैसे यहाँ मैंने बताया कि आप अगर प्राइस आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ से तब आपको करना है, इस पे जाकर के कॉल नहीं बाय करना है, या इस पे जाकर के ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर और अपने को कॉल खरीद लेना चाहिए। ओके, पुट के ही खरीदने की कंडीशन में रहना जब तक कि वो नीचे है। दूसरा, अगर आपका वो सेम, अगर आपका सेम वो कहीं तो आपका ऐसे ऐसे ऊपर से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बाउंस करके वहां से निकल जाएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं ऊपर से बाउंस करके निकलने के। उस टाइम पे आपको सिंपली क्या करना है कि वेट करना है। ओके, वेट करना है। अगर आपका वहां पर वी वैप कर्व ले रहा है, अगर आपका वी वैप ऐसा करके स्टॉप हो गया है और सडनली कर्व ले रहा है, या दूसरा अगर आपका वी वैप ऐसे आ गया है और आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है नीचे की तरफ, तो हमेशा ये ध्यान देना जितना ज्यादा स्लोप होता है। ओके, स्लोप ऑन वी वैप आपका कंसिडर करता है, स्लोप ऑन वी वैप, ओके, कंसिडर्ड एज प्राइस का स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए ये वी वैप पे स्लोप बन रहा है। ओके, स्लोप पे अगर आपको मिलता है प्राइस, तो पूरी कंसिडर करना चाहिए, पूरा कंसिडर करना चाहिए कि डेटा अगर निगेटिव दिखा रहा है हमको, अगर ऑप्शन चेन में कॉल बाय दिखा रहा है, तभी हम जा करके वो वी वैप के पास में कॉल बाय करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपका बहुत बेसिक सा यहाँ पर स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस किया, जिसमें कॉल बाय या पुट बाय आप ऑप्शन चेन देख करके यूज कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली इससे रिलेटेड और भी स्टडी फुल दे दूंगा, स्टडी फुल चीजें दे दूंगा, स्टडी फुल मटेरियल्स रहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही रहेगा, एजुकेशनल कंटेंट ही रहेंगे। एजुकेशनल तो क्या, अभी ट्रेड की लाइफ में आ चुके हो तो एजुकेशन नाम का तो थोड़ा सा वो रहता है, बट आप ध्यान दीजिए, कहने का मतलब टाइम तो मिलता नहीं होगा पढ़ने वढ़ने का, तो छोटे छोटे वीडियोस देख करके बस, थोड़ा सा गलत वीडियोस मत देखिए, बहुत सारे लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वॉल्यूम को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वो भी एक गलत तरीका है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसको वॉल्यूम को और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जस्ट मैंने एक आपको अभी बेसिक बेसिक एग्जाम्पल दे दिया कि ऐसा करना है आपको जब आपको कॉल साइड में क्या लिखा मिले और पुट साइड में लिखा मिले। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक चीज पे डीप में जा करके आपको मैं वॉल्यूम पे, क्योंकि वॉल्यूम पे इतना मैंने रिसर्च किया है, वॉल्यूम पे इतना मैंने ट्रेड लिया है कि मुझे काफी अच्छी वॉल्यूम की नॉलेज है, और वॉल्यूम में मैं आराम से आपको वॉल्यूम के बहुत इंसाइट्स मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि कब मार्केट साइडवेज रहती है, वॉल्यूम को देख करके हम बता सकते हैं कब हमें मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, टारगेट कहाँ पे होता है, वॉल्यूम के हिसाब से हम जज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे डेफिनेटली, और ये इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने का पर्पज़ ये था, काफ़ी टाइम हो गया था और कोई भी हमने यहाँ पर अभी तक शीट में जितने भी इम्प्रूवमेंट किए वो कोई भी हमने एक भी पार्ट उसका शेयर नहीं किया था, तो ये जब भी फिनिश हो गया, फाइनल हो गया और इतने टाइम के बाद हमने देखा, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर शीट को शेयर करना चाहते थे कि आप लोगों को दिखा दें कि आप लोगों की कुछ और भी चीज़ों को हमने एक जगह ले आ करके फिर से एक नया टूल तैयार कर दिया है। ये तो निफ्टी का शीट है, तो निफ्टी के अलावा भी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किए, अभी इसलिए टाइम नहीं मिला, हम बात कर रहे थे मास्टर शीट की, तो मास्टर शीट का भी हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, मास्टर शीट में देखेंगे। तो ये वाली मास्टर शीट है जिसमें कि हमको ईओडी और हिस्टोरिकल भाव डेटा ये सब भी हमको मिल जाता है यहाँ पर,
देखेंगे, इसी में हमको मिल जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मोबाइल यूजर्स के लिए यहाँ इनपुट है, और ये स्टॉक यूजर्स के लिए जो बाकी सिस्टम यूजर्स हैं उनके लिए यहाँ है। ये कुछ नहीं, ये इंडिकेशन है, मेरी पर्सनल कॉपी है इसलिए यहाँ पर इंडिकेशन लगा रखा है मैंने। इसको देखते हैं, इसको तो इसको हाइड कर सकते हैं हम। ये मेरी पर्सनल कॉपी है इसलिए यहाँ पर इंडिकेशन मैंने लगा रखा है। ये यही है कि डेटा अपडेट हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है। तो इसमें भी आगे आने वाली वीडियो में एक वीडियो हम इससे रिलेटेड क्रिएट करेंगे, जिसमें अपने को ये दिखेगा किस तरह से हम स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें से डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर नेक्स्ट डे या आने वाले टाइम में वो स्टॉक में क्या मूवमेंट हो सकती है, या उस स्टॉक में कैसे कैसे स्ट्रेंथ बन रही है वो अपने को दिखाई देगा। डेफिनेटली हम रीड करेंगे उसमें, इसमें काफ़ी इंसाइट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इवन डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी परसेंटेज, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये स्पेशली ईओडी बेसिस शीट है, ईओडी के हिसाब से चलती है। इसी में ऑप्शन चेन भी है स्टॉक का, इसी में आपको डेटा का चार्ट भी मिलता है, सब कुछ इसी में है। इवन इसका हम सब कुछ सेट कर सकते हैं कि हमको ओपन इंटरेस्ट किस में देखना है, सभी चीज़ें इसमें हैं। जस्ट एक ये फ्रंट में दिखाने का ये रीज़न था कि हम इस टाइप के टूल्स पे भी वर्क करते हैं, इस टाइप के टूल्स पे हम काफ़ी अपनी रिसर्च कर चुके हैं, तो हम डेफिनेटली इसके बिहाफ पे ही एंट्री एग्जिट और सारे अपने स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, या हम इंडेक्स में इस तरह से ट्रेडिंग्स करते हैं। तो चलिए, इस तरह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय।